दोस्तों, स्वागत है आपका नया वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम हफमन टेक्निक को यूज करके एक गिवन मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे आप हफमन कोडिंग को यूज करके एक गिवन मैसेज को एनकोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक गिवन मैसेज को हम डिकोड कर सकते हैं। तो अगेन, ये भी प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और बेसिकली हमें इसमें गिवन स्ट्रिंग रहती है या फिर जो इनपुट कोड आएगा, जो भी रिसीव होगा नेटवर्क के थ्रू, वो गिवन रहेगा। यहाँ पे बाइनरी कोड है, उसके बाद एक सिंबल्स और प्रोबेबिलिटी का एक टेबल गिवन रहेगा। तो इस प्रोबेबिलिटीज को यूज करके हमें इस मैसेज को डिकोड करना है कि ये मैसेज की वैल्यू क्या है या फिर ओरिजिनल फॉर्म क्या था। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने एनकोडिंग में किया था फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास, हमें सेम वही यहाँ पे भी यूज करना है, बट यूजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज। अब ये प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है फ्रैक्शनल फॉर्म में, आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फर्स्ट स्टेप के पास। तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पास परफॉर्म करना है। तो अगेन, फॉरवर्ड पास का टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम रहेगा सिंबल, उसके बाद आएंगी प्रोबेबिलिटीज, उसके बाद आएंगे इनकी इटरेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे इन प्रोबेबिलिटीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो सबसे पहले 4/9 है, तो ए 4/9, उसके बाद आती है एल जो कि है 2/9, एम 2/9, और फिर आते हैं वाई 1/9। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटीज डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख ली अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड पास आएगा। ओके, तो हमें सिंपली वही परफॉर्म करने की, आखिरी की जो दो वैल्यूज है उनको हमें ऐड करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में उस पास में हमें अरेंज करना है। तो 2/9 प्लस 1/9 हो जाएगा 3/9, तो 3/9 4 और 2 के बीच में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/9 और यहाँ पे चला जाएगा 2/9। अगेन, इन दोनों को ऐड करके वैल्यू यहाँ पे गई, तो हम इसे सीधा मैप कर देंगे। ओके, तो अगेन हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया, हम जाएंगे सेकेंड पास पे। यहाँ पे से फिर से 3/9 और 2/9 को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 5/9 जो कि 4/9 से बड़ा है, तो वो ऊपर चला जाएगा, 4/9 नीचे आ जाएगा। अगेन हम इन दोनों को ऐड कर लिए, तो यहाँ पे मैपिंग कर देंगे। ओके, अगेन यहाँ पे अभी बची सिर्फ दो वैल्यूज, तो यहाँ पे फर्दर फॉरवर्ड पास पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और हम बैकवर्ड पास के लिए फिर से इसे अरेंज करेंगे। तो बैकवर्ड पास में हमें सबसे पहले वैल्यू को 0 देना पड़ता है सबस्क्रिप्ट में और सेकंड वैल्यू को 1 देना पड़ता है। ओके, तो ये कहाँ से आई है, यहाँ से, तो यहाँ पे सीधा जाएगा 0 0, फर्स्ट वैल्यू तो 0, सेकंड वैल्यू तो 1, ये 1 चला जाएगा यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में। ओके, तो आती बारी 3/9 की, 3/9 कहाँ से डिराइव हुआ है, इन दोनों में से, तो यहाँ पे चलेगा 0 0 0 0, फर्स्ट वैल्यू में 0, सेकंड वैल्यू में 1। ओके, ये हो गया, इनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऊपर चली जाएंगी फिर से अपने अपनी जगह पे। ओके, तो 4/9 की वैल्यू आ गई 4/9 यहाँ पे आ गई और 2/9 की यहाँ पे आ जाएंगी 0 1। तो ये हमारा टेबल बना है जो कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कंप्लीट करने के बाद क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव सबस्क्रिप्ट में उनकी एनकोडिंग वैल्यूज मिली हुई है, तो हम इन एनकोडिंग वैल्यूज को यूज करके इस मैसेज को भी डिकोड करेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेते जिसमें हम इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैप कर देते। तो यहाँ पे हम कर देंगे सबसे पहले सिम्बॉल, ओके, और उनकी करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड। ओके, तो सिंबल में आएंगे सबसे पहले यहाँ पे ए एल एम और यहाँ पे वाई। ओके, तो ए के लिए कोड वर्ड की वैल्यू क्या है 1, एल के लिए क्या है 0 1, एम के लिए क्या है 0 0 0 और वाई के लिए क्या है 0 0 1। ओके, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई, इसका मतलब हमारा ये हो गया फाइनल टेबल। इस टेबल को हम यूज करके इस पर्टिकुलर मैसेज को हम डिकोड करेंगे। तो हम ये मैसेज फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से, कि तो मैंने यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम लिख ली है, तो हमें अब ये कोडवर्ड्स को यूज करके हमें इस मैसेज को डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो 0 से कौन से वर्ड शुरू है, तो 0 ये 3 0 से हो रहा है, तो हम देखेंगे 0 0 कोई है क्या, नहीं है, 0 0 0 0 0 0 है, तो हमें इस पर्टिकुलर थिंग को हम एनकोड कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है एम। ओके, उसके बाद 1, सिर्फ ओनली 1 के लिए एक की वैल्यू है यहाँ पे, सब बाकी 0 से शुरू है, तो हम सिर्फ 1 के लिए लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई ए। ओके, उसके बाद अगेन 0, 0 से 3 वैल्यू शुरू होती है, 0 1, उसके बाद 1 आ गया, तो 0 1 के लिए एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हो गया 0 1 के लिए आ गई वैल्यू एल। उसके बाद आता 1 1 से कौन स्टार्ट होता है ए फिर से, तो फिर से आ गया यहाँ पे ए, 0 0 हो गया, तो 0 से स्टार्ट होने वाली 3 वैल्यूज है, तो 0 0, उसके बाद आ गया 1, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो आ गई लास्ट वाली वैल्यू, तो 0 0 1 के लिए आ गए यहाँ पे वाई। ओके, तो अगेन यहाँ पे आ गया 1,
वन से एक ही स्टार्ट होता है ए, तो हम यहाँ पे उसको एनकोड कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे ए से, ठीक है। अगेन जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं तीन, उसके बाद आगे वन, तो 01 पे यही रुक जाएगा ये, 01 के लिए अगेन इसकी वैल्यू हो गई एल, उसके बाद आगे वन, वन के लिए एक ही वैल्यू है तो आ गया ए, उसके बाद आगे ट्रिपल जीरोस, जीरो आ गया फर्स्ट जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, तो हम तीनों चेक करेंगे इसमें, सेकेंड जीरो है तो ये दो चेक होंगे, थर्ड भी जीरो है तो सिर्फ अभी बचा एम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर मैसेज का डिकोडेड फॉर्म है। तो ये हो गया मलया लंग। तो बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि इस गिवन इनपुट स्ट्रीम के लिए ये डिकोडेड वैल्यू है। तो ऐसे आप हफमन डिकोडिंग टेक्निक को यूज करके गिवन इनपुट स्ट्रीम को विद गिवन इनपुट प्रोबेबिलिटी से आप उसे डिकोड कर सकते हैं और उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत से और वीडियोज आने वाले हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।